नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत सिंपल सी एक्सरसाइजेस आपके पेट की चर्बी को कम करने के लिए। स्पेशली ये वीडियो हमारी महिलाओं के लिए और हाउसवाइफ के लिए बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उनका पेट का बाहर आना। और ये प्रॉब्लम इसलिए भी सबसे ज़्यादा है क्योंकि बच्चे होने के बाद, ऑपरेशन से डिलीवरी या फिर नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद, वो अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रख पाती हैं, जिसकी वजह से उनका जो पेट है वो बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाता है। और ये जो पेट होता है फ्रेंड्स, एक बार जब हमारा पेट बाहर आ जाए ना, तो इतनी आसानी से ये कम नहीं होता है। इसको हमें कम करना पड़ता है, यानी कि थोड़ी सी छोटी छोटी मेहनत है वो हमें करनी पड़ती है। तो बस आप ये सिंपल सी हल्की हल्की एक्सरसाइज है वो करनी होगी और आपका बिल्कुल आसानी से पेट कम हो जाएगा। यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको ये भी क्लियर कर देती हूँ कि चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है या फिर ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है, आप आसानी से इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तब आप 3 महीने बाद कर सकते हैं, और अगर आपकी ऑपरेशन से हुई है तो कम से कम 5 से लेकर 6 महीने बाद ही इन एक्सरसाइजेस को करें। अब ऐसा नहीं है कि हमारा डिलीवरी के बाद पेट नहीं निकला है तो हम नहीं कर सकते हैं। आपका कैसे भी पेट निकला है तब भी आप इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं, या फिर कितना भी समय हुआ है तब भी आप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम सिंपल सी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है वो आपको करना होगा। आपको क्या करना है, इस तरीके से आराम से लेट जाइए और दोनों हाथों को गर्दन के पीछे लगा के थोड़ा सा इसको उठा लीजिए, अपने इस हिस्से को। इसके बाद आपको अपने पैरों को पास लाना है और इस तरीके से करना है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपको इसको थोड़ा सा ज़्यादा करना होगा और कोशिश करना होगा आपके जो घुटने हैं वो आपको अपने ब्रेस्ट तक, यानी कि जितना ऊपर ला सकते हैं, ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है, जितना कर सकते हैं उतना कर लेंगे। इसको आपको फिर करना होगा लगभग 30 टाइम करना होगा, और 30 के आप आराम से 2 से लेकर 3 सेट कर सकते हैं। अब देखते हैं हम जल्दी से अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज। ये आपको क्या करना होगा, इस तरीके से अपनी कोहनी का सपोर्ट लेते होंगे, आपको लेट जाना है, यानी कि लेटना नहीं है, इस तरीके से आपको आ जाना है और बिल्कुल आसानी से अपने पैरों को पास लाना है इसी तरीके से और वापस, बस इस तरीके से 1, 2। बहुत आसान है इसको करना, आप इसको बिल्कुल आराम से कर लेंगे। 3, 4। बस आपको अपने पेट को अंदर की तरफ थोड़ा सा कोशिश करना है कि अंदर की तरफ हम इसको कर पाए। 5, 6, 7, 8, 9, 10। बिल्कुल आसान है इसको करना। आप आराम से अपने बेड वगैरह पर लेट जाइए और अपने पैरों को अपनी जो छाती है उसके पास लाने की कोशिश करना है। इस एक्सरसाइज में आपको ना तो ज़बरदस्ती करना है और ना ही बहुत जल्दी करना है, आराम से करना है। जितना धीरे धीरे आप आराम से करेंगे उतने ही जल्दी आपका पेट है वो कम हो जाएगा, गारंटी के साथ। अब देखते हैं हम अपनी लास्ट और नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस तरीके से बैठ जाना है अपने घुटनों के बल। इसके बाद आपको अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा लेना है और धीरे धीरे बिल्कुल स्लो नीचे की तरफ लाना है और फ्लोर पर रखना है इस तरीके से। 1, वापस आइए, सीधा नीचे जाएंगे। 2, नॉर्मली रखना है सांस को। 3, 4, 5, 6, 7, 8। जब हम ऊपर की तरफ इस तरीके से जाते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो पेट है वो अच्छे से ऊपर की तरफ खींचता है, और जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो क्या होता है कि ये देखिए आपका जो पेट है वो प्रेशर होगा और अंदर की तरफ जाएगा और आपकी ये पूरी बॉडी पर यहाँ पर बहुत अच्छे से खिंचाव होगा। तो अगर आपकी बॉडी का शेप खराब हो गया है तो आपकी बॉडी का बहुत अच्छा शेप भी आ जाएगा इस एक्सरसाइज से।
फैट अंदर होगा और आपका ये हिस्सा पर अगर कहीं भी फैट है तो वो भी रिड्यूस हो जाएगा। इसको आपको थोड़ा सा ज़्यादा करना होगा, आप कर सकते हैं इसको 20 बार। और इसके आपको कितने सेट करना है, 2 से लेकर 3 सेट। सारी एक्सरसाइज है उनको आपको 20 से लेकर 30 टाइम करना है और उसको 2-2, 3-3 बार रिपीट करना है। अब आप इसको चाहे सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस खाना खाने के तुरंत बाद आप इनको बिल्कुल मत करिए। सो फ्रेंड्स, कुछ एक्सरसाइजेस जो आपको बहुत तेज़ी से पेट की चर्बी को कम करेगी ही करेगी। तो आज हमारे इस वीडियो में इतना ही। क्या आप इस तरीके के इस चैनल पर और वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए मुझे कमेंट्स में बता दीजिए और लाइक करिए, ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। अपने आप को हमेशा स्ट्रांग बनाइए।